हेलो, गुड इवनिंग नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि हम नॉर्सेट 21 के लिए स्पेशल इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही इस टाइम पे कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन किए जा सके, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है एफएन का वो भी आपका कवर हो सके और आपको एक बहुत ही अच्छी एडवाइस एग्जाम से रिलेटेड मिल सके, बहुत ही अच्छा कंटेंट एग्जाम से रिलेटेड मिल सके। और जो मेरा मेन स्पेसिफिक जो टारगेट है वो है आपकी नेगेटिव कंट्रोल करना, नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वही इमेज बेस्ड क्वेश्चन। आगे कल 25 तक हमने कर लिए थे, उससे आगे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, आज का जो एपिसोड है वो हमारा एपिसोड है 1111, मतलब 111 नंबर का एपिसोड है, जिसके अंदर हम वो इमेज और वीडियो बेस्ड क्वेश्चन हम डील करेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन इसमें लेके चले थे, बट ये और भी हमको इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, सभी नर्सिंग ऑफिसर ठीक से इस बात को सुनते रहे तो ये लाइन पक्की बार सही हो जाएगी कि अब की बार फोड़ देंगे। क्या मतलब है कि अब की बार डेफिनेटली एम्स में हम सेलेक्ट हो जाएंगे, यदि आप सीरियसली इस बात को सुन रहे हैं और आप इनमें से कोई भी चीज आती है तो आप ठीक से उसका जवाब दें। दूसरी बात कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना सीख जाइए, 10 क्वेश्चन तो वैसे ही प्लस में आपके चले जाएंगे। तो शुरू करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएं। बिल्कुल सही है, आज आप सुबह जल्दी बता देते तो मैं उसके लिए पीडीएफ बना के ले आया था। अब कल हम उसके रिगार्डिंग क्लास करेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। ठीक है, तो अभी तक तो हम यही बात कर रहे हैं कि डेली हम 9 बजे आपको पता है कि क्लासेस लाइव कर देते हैं। तो सभी नर्सिंग ऑफिसर से छोटी सी गुजारिश है कि क्लास शुरू हम करने वाले हैं तो एक बार वीडियो का लिंक को शेयर कर दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच जाए और हम क्लास बहुत जल्दी शुरू कर सके। तो सभी से एक बार एक गुजारिश है कि एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दिया जाए फास्ट। बिल्कुल, शशिकांत शशांक जी ने बोला है कि डेली क्लास होती है क्या इमेज बेस्ड वीडियो बेस्ड? बिल्कुल डेली क्लास हो रही है, मैं तो पिछले करीब 3-4 महीने से क्लासेज कर रहा हूं। ठीक है, बट अभी आप लोग जागे हो तो कोई बात नहीं, इस बार भी हम फोड़ देंगे, पक्की बात है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे एक बार शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये लिंक पहुंच सके। चलिए एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए इसको, क्योंकि फिर बीच में टाइम नहीं मिलता है, बहुत ही स्पीडली हम कवर करते हैं चीजों को। हाँ जी, तो अब हम शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल, अब हम शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। रेडी हैं सभी नर्सिंग ऑफिसर्स? एक भी क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो सारा का सारा ध्यान यही रहना चाहिए और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि टीएसएल ने नॉर्सेट 21 के लिए स्पेशली ऑनलाइन टेस्ट सीरीज शुरू की हुई है, जिसके अंदर 20 मेजर टेस्ट हैं। एक ही टेस्ट में 200 क्वेश्चन है, उसमें से भी 180 आपके नर्सिंग के हैं, 20 मैथ रीजनिंग और कंप्यूटर के हैं, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। कोई भी 45% भी मार्क्स लाता है तो वो नॉर्सेट में सिलेक्शन का दावेदार है। जो माइनर टेस्ट है ये सब्जेक्ट टेस्ट है 40, इसमें 100 आपके क्वेश्चन है, इसमें भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूडेड है। टोटल 8000 क्वेश्चन है, जिसको भी परचेज करना हो हेल्पलाइन नंबर ये है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ये तो हुई एडवर्टाइजमेंट की बात। नेक्स्ट, हम थोड़ा सा वो 1 मिनट कल के क्वेश्चन से थोड़ा हमको आगे आना पड़ेगा।
स्लाइड शो थोड़ा सा पीछे से शुरू हो गया है, जल्दी से हम आ रहे हैं उसमें। ये लीजिए, बस पहुंच गए। कल 25 तक हमने कर लिया था, तो आज भी हम 25 से शुरू करेंगे। जी ये आपके सामने 25 नंबर का क्वेश्चन, ये हमने पढ़ लिया था, ये 26 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, तो अब की बार एम्स के पार, ठीक है, यहीं से शुरू करने वाले हैं अब की बार एम्स के पार। ठीक है, चलिए ये लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, 26 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। ठीक से क्वेश्चन को पढ़िए कि कोई गलती ही ना हो, ऐसे क्वेश्चंस को पढ़िए। बताइए By using this form of medicine, the drug absorbed in applied by which route? थोड़ी सी टिपिकल इंग्लिश लिखी है। यदि ये आपके जो फॉर्म दिख रही है, यदि इसको स्किन के ऊपर अप्लाई किया जा रहा है या जो भी ये चीज है, यदि इसको अप्लाई किया है तो ड्रग कौन सी फॉर्म से रीअब्जॉर्ब होगी, ये पूछा है। ठीक है, बताइए क्या इंट्राडर्मल से होगी, इंट्रामस्कुलर है या इंट्राविनस है, ट्रांसडर्मल रूट है, कौन से रूट से ड्रग एब्जॉर्ब हो रही है यहां से, डायरेक्टली बताइए। वेरी गुड, ज्यादातर नर्सिंग ऑफिसर्स ने सही आंसर दिया है और ये निशानी है कि आप ठीक से क्वेश्चन को पढ़ने लग गए हो। देखिए ये है क्या, एक्चुअल में ये है फेंटानिल पैच। ठीक है, फेंटानिल पैच, आपको पता है फेंटानिल एक पेन किलर ड्रग है। ठीक है, इसको क्या करते हैं हम, डायरेक्टली स्किन के ऊपर, डायरेक्टली ओवर द स्किन हम इसको अप्लाई कर देते हैं, डायरेक्टली ओवर द स्किन। फिर धीरे धीरे ये ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है, तो लॉन्ग टर्म तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, तो कौन से रूट से ड्रग एब्जॉर्ब हुई, ट्रांस डर्मल रूट से ड्रग एब्जॉर्ब हुई, तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इजी क्वेश्चन था आई थिंक आपको। ठीक है, तो रेशनल भी देखिए ठीक लिखा हमने, डी इट इज दी ट्रांसडर्मल पैच डायरेक्टली अप्लाइड ऑन स्किन एंड ड्रग स्लोली डिफ्यूज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक से पढ़िए। ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके हॉस्पिटल सेटिंग में बार बार काम आते हैं, ऐसी ड्रग्स आपके सामने उठाई है, सब कुछ वैसा किया है, क्योंकि हॉस्पिटल सेटिंग के क्वेश्चन भी एम्स पूछता है। बताइए ड्यू टू यूज ऑफ दिस पाउडर द क्लाइंट हैज अ रिस्क ऑफ, ये जो आपके सामने जो पाउडर फॉर्म का पाउच दिख रखा है, इससे के यूज से क्या रिस्क हो सकती है पेशेंट में, बताने की कोशिश कीजिए, सोचिए और फिर बताइए। क्या पेशेंट को डायरिया हो सकता है, क्या पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो सकता है, क्या पेशेंट को हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है, क्या पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो सकता है, क्या हो सकता है इसके यूज की वजह से, सभी नर्सिंग ऑफिसर ठीक से बताएंगे सोच के समझ के। देखिए अब हम बात करते हैं, ये क्या है आपके के बाइंड सैचेट, क्या है के बाइंड सैचेट, ये के बाइंड सैचेट हम क्यों काम में लेते हैं, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया। और ये क्या करता है कि जीआई के थ्रू इसको देते हैं, किसके रूट, ओरल रूट से इसको हम पेशेंट को पिला देते हैं या राइस ट्यूब से पिला देते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे ही जीआईटी के अंदर जाता है तो ये करता क्या है, ध्यान से समझना, सोडियम को तो बाइंड कर लेता है, ठीक है, सॉरी पोटेशियम को बाइंड कर लेता है, और पोटेशियम को बाइंड करके ये इन स्टूल में ये क्या करता है, एक्सक्रीशन करा देता है, बॉडी से एक्सक्रीशन करा देता है। तो सोचिए कोई पेशेंट हाइपरकैलेमिया का है, उसको ट्रीटमेंट में ये दे रहे हैं, ये ध्यान से समझ लीजिए, हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में मोस्टली यूज लिया जाता है, और केबाइंड सचे ये है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, ओरली यूज करते हैं, राइस ट्यूब से एडमिनिस्टर कर सकते हैं,
पोटेशियम को बाइंड करके स्टूल के अंदर एक्सक्रीट आउट कर देता है। पहली बात तो अब सोचिए, इसने बाइंड तो कर लिया बट स्टूल बाहर आना तो जरूरी है ना, तो सोचिए क्या इसको लेक्सेटिव उसके साथ देना चाहिए क्या, यस और नो आंसर दीजिए प्लीज। अभी सोचते हैं क्या इसको लेक्सेटिव के साथ देना चाहिए क्या, प्लीज आंसर कीजिए जल्दी से, क्योंकि जब तक कंडीशनिंग डेवलप नहीं होगी तब तक आपके क्वेश्चन गलत होते हुए नहीं रुकेंगे। वेरी गुड आंसर। तो किसके साथ देना चाहिए, लेक्सेटिव्स, लेक्सेटिव के साथ देना चाहिए, स्टूल सॉफ्टनर्स के साथ देना चाहिए। आपने देखा होगा मोस्ट कॉमनली यूज्ड लेक्सेटिव जो हॉस्पिटल में मेनली हम काम में लेते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में मेनली हम काम में लेते हैं, वो हेपेटिक एनकेफेलोपैथी वाले पेशेंट को भी काम में लेते हैं। कौन सा लेक्सेटिव, हेपेटिक एनकेफेलाइटिस या हेपेटिक एनकेफेलोपैथी वाले पेशेंट को भी काम में लेते हैं, कौन सा लेक्सेटिव बार बार काम में लेते हैं बताइए नर्सिंग ऑफिसर टाइप करके हॉस्पिटल में। जो बिल्कुल सही आंसर बताया, लैक्टुलोज। तो ये हो सकता है ये आपके लैक्टुलोज के साथ मिक्स करके देने के लिए बोले या पूछ ले कि मेनली इसको किसके साथ काम में लेते हैं। ठीक है, तो अब आगे की बात करते हैं, ध्यान से समझना कि के बाइंड सैचेट ये लॉस कराएगा। अब किसी पेशेंट में हाइपरकैलेमिया ही भले ही हो, यदि वो ज्यादा यूज ये किया तो क्या हो सकता है, ज्यादा पोटेशियम बाहर जा सकता है और ज्यादा पोटेशियम बाहर गया तो पेशेंट को किसकी रिस्क हो जाएगी, हाइपोकैलेमिया की। ऐसे भी पूछ सकता है दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो क्या बताओगे, दिस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ तो क्या बताओगे, हाइपरकैलेमिया। क्या बताएंगे, हाइपरकैलेमिया। नेक्स्ट, रेशनल भी आपको प्रॉपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, ये देखिए आपके सामने फिर से मैंने इसमें से एक क्वेश्चन बनाया है, बहुत अच्छा है। के बाइंड सैचे कंटेन, क्या सोल्ट होता है के बाइंड सैचे में, क्या सोल्ट होता है के बाइंड सैचे में, जो अभी आपने देखा, यदि आपने ठीक से उस इमेज को देखा होता तो आप इसका आंसर सही करते। ये डिपेंड वो करता है कि आप कितनी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को कर रहे हो। तो बताइए कौन सा, सोडियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट, पोटेशियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट, कैल्शियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट या कयाक्सेलेट, क्या होता है इसके अंदर, कौन सा सॉल्ट होता है नर्सिंग ऑफिसर्स इसके अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लीजिए, कौन सा सॉल्ट होता है इसके अंदर। के बाइंड सैचे आपको पता है इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया, आपको पता है ये बात, क्योंकि अभी मैंने बताया है। ये क्या करता है, जीआई के अंदर ओरली यूज कर जीआई के अंदर पोटेशियम से बाइंड होता है और इस पोटेशियम को क्या करता है, लॉस इन स्टूल। बट इसके अंदर होता क्या है, कौन सा सॉल्ट इसके अंदर होता है, ये मेन इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद होना चाहिए ये चीज। बताइए नर्सिंग ऑफिसर कौन सा होता है। अब हमने तो पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट ही पढ़ा था ना, कौन सा होता है ना, ठीक है, या कयाक्सेलेट पढ़ा होगा, एनक्लेक्स आरएन में ये लिखा हुआ है कयाक्सेलेट। तो देख लेते हैं कि कौन सा सॉल्ट होता है। करेक्ट आंसर है आपके कौन सा, सी। ठीक है, कौन सा आंसर है आपका, सी। क्या होता है आपके, कैल्शियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट, क्या होता है, कैल्शियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट होता है किसके अंदर, के बाइंड सैचे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आपको चल रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट रह गया, उसको भी मैं अभी डील करने की कोशिश कर रहा हूं। जी ये क्वेश्चन और देखे, ये बहुत फेमस ब्रांड है, एनक्लेक्स आरएन में भी लिखा हुआ है बार बार, कयाक्सेलेट सुना होगा आपने, कयाक्सेलेट। के बाइंड सैचेट अपने यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चलता है, कयाक्सेलेट नाम सुना होगा, कयाक्सेलेट। कयाक्सेलेट के अंदर क्या होता है, सोडियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट, याद रख लीजिए नर्सिंग ऑफिसर। बिल्कुल, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि वीडियो क्लास डेली होगी क्या, बिल्कुल इमेज बेस सारे सॉल्व करा रहा हूं और प्रोसीजर भी आपको करवा दूंगा। सोडियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट होता है K
किसके अंदर, कयाक्सालेट के, के बाइंड के अंदर क्या होता है, के बाइंड के अंदर, के बाइंड के अंदर होता है कैल्शियम पॉलिस्ट्रीन सल्फोनेट, दोनों के दोनों आपके हाइपरकैलेमिया के ट्रीटमेंट में दिए जाते हैं, तो ये भी आपको ठीक से ध्यान में रखना है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से पढ़ना है एक बार। एनेस्थेसिया पे कल क्लास लेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे सारे एनेस्थेसिया का, टेंशन ना लीजिए। The rapid administration of this medicine may cause, बताइए rapid administration, पहली बात तो ये है क्या, वो सोचना है आपको। यदि ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई तो आप क्लियर कट समझ सकते हो। देखो क्या है, ह्यूमन नॉर्मल एल्ब्यूमिन 20% ऐसा लिखा हुआ भैया इसमें, 20% एल्ब्यूमिन है ये, क्या है 20% एल्ब्यूमिन है, क्या है एक्चुअल में देखा जाए तो प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन है। तो बताइए क्या कर सकता है रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन, क्या हाइपर वोल्यूमिया कर सकता है, क्या क्या हाइपो वोल्यूमिया कर सकता है, क्या क्या ऑनकोटिक प्रेशर इंक्रीज कर सकता है, क्या क्या ए और सी दोनों है, ध्यान से समझिए आप एक बार इसको, एक बार ठीक से देखिए इसका। मैं आपको एक छोटा सा शॉर्टकट दे देता हूं जो डेफिनेटली आप कहीं पे भी लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन में समझ में आपको आ ही जाएगा। देखो पहली बात की जाए, पहली बात क्या कि कोई भी सॉल्यूशन होता है ना, उस सॉल्यूशन में दो चीजें होती है नर्सिंग ऑफिसर्स, कौन सी, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट, एक होता है सोल्यूट और दूसरा होता है सोलवेंट, और जो सॉल्वेंट होता है वो आइडियली आपको पता है वाटर ही होता है, और वाटर होता है तो ध्यान से समझिए वाटर से को हाइड्रो बोलते हैं और ये प्रेशर एग्जर्ट करेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, शॉर्टकट है, ज्यादा क्लू यहाँ पे बोल नहीं पाएंगे। और जो सॉल्यूट है वो एग्जर्ट करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ध्यान से समझिए नर्सिंग ऑफिसर्स कि ये हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर फ्लूइड को बाहर की तरफ धकेलता है जबकि ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लूइड को खुद की तरफ खींचता है और फ्लूइड को खुद के कंपार्टमेंट में रखने की कोशिश करता है। अब ये भी भूल जाते हैं हम तो कैसे याद करेंगे इसको, ध्यान से समझिए नर्सिंग ऑफिसर कैसे याद करेंगे। ये मान लो ट्रेन की एक सीट है, ठीक है, इसमें मान लो चार एक ही जेंडर के लोग बैठे हैं, ठीक है, ऐसे मान लो चार एक ही जेंडर के लोग बैठे, मान लो चार बहन जी इस पे बैठी हुई है पहले से, एक दो तीन और चार, ठीक है, या भाई साहब भी हो सकते हैं, कोई बयाज नहीं है जेंडर का, चारों बैठे हुए। यदि सेम जेंडर का कोई आदमी यहाँ आके बैठने की कोशिश करेगा तो ये बुला लेंगे क्या, नहीं, ये बोलेंगे नहीं नहीं इधर जगह नहीं, ऐसे सांस ले लेके और बैठ जाएंगे बट इसको जगह नहीं देंगे, समझ रहे हो बात, चार बहन जी पहले से बैठे दूसरे को बिल्कुल नहीं बिठाएंगे, बिठाना होगा तो किसको बिठाएंगे, अपोजिट जेंडर को ही इस पे बिठाएंगे, समझ रहे हो बात, जो चीज जहां पे ज्यादा है वहां से वो कम की तरफ चली जाएगी, ये नेचर का रूल है नर्सिंग ऑफिसर। तो ध्यान से समझिए यहाँ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्यों एग्जर्ट हो रहा है, क्योंकि पानी है, तो पानी है तो ये पानी को किधर आउटवर्ड मूवमेंट कराएगा, और ये किधर कराएगा आपके, यहाँ तो पानी है ही नहीं तो पानी को इनवर्ड मूवमेंट ये कराएगा। तो ये दोनों के दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब ध्यान से समझिए कि जैसे ही आप एल्ब्यूमिन दे रहे हो 20% एल्ब्यूमिन एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक का मतलब है प्लाज्मा की तुलना में सोल्यूट ज्यादा है। अब सोचो आपने ये आपके ब्लड वेसल है इसके अंदर ऐसा फ्लूइड दे दिया कि सोल्यूट ज्यादा हो गए, जब सोल्यूट ज्यादा हो गए तो आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सोल्यूट पे कौन सा डिपेंड करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लूइड को खुद की तरफ खींचेगा। देखो तो इंटरस्टीशियम से फ्लूइड इसके अंदर आएगा तो ये ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा, प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज होने लगेगा, इसलिए ये ह्यूमलिन जो है एल्ब्यूमिन है इट इज द प्लाज्मा एक्सपेंडर, क्या है प्लाज्मा एक्सपेंडर।
तो प्लाज्मा एक्सपेंडर है तो ये यदि इसका रैपिड एडमिनिस्ट्रेशन कर दे तो क्या कर सकता है, ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन कर दे तो क्या कर सकता है। नर्सिंग ऑफिसर सोचना है आपको इस बात पे, क्या कर सकता है, हाइपर वॉल्यूमिया कर सकता है। तो ए तो इसका सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है कि क्या कर सकता है, हाइपर वॉल्यूमिया कर सकता है। दूसरी बात और करते हैं, ध्यान से समझिए कि ब्लड जो होता है ना, जो ब्लड उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 mm of Hg, और जैसे ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 25 mm of Hg, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका, ब्लड का, कितना होता है आपके 25 mm of Hg। ये ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने डिवाइड किया हुआ है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और क्रिस्टेलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर, और आपको पता है कि ये 90% तो कोलोइड ही होता है, इसका 90% कौन सा होता है, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और क्रिस्टेलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो मेनली बनाते हैं वो कौन बनाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। अब कोलोइडल कौन कौन बनाते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, जिलेटिन हो गया, प्रोटीन हो गया, ये बनाते हैं। तो प्रोटीन भी ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है, तो वो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो स्पेशली प्रोटीन एग्जर्ट करता है, इट इज नोन एज ऑन्कोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको, ऑन्कोटिक प्रेशर। तो नर्सिंग ऑफिसर इट आल्सो इंक्रीज ऑन्कोटिक प्रेशर, मतलब सी भी सही है, ठीक है, सी भी सही है। तो ए और सी करेक्ट आंसर इज डी। समझ में आया या नहीं आया, यस और नो प्लीज जल्दी से बताओ, समझ में आया या नहीं आया। चलें आगे, वेरी गुड, ऑन्कोटिक प्रेशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जी बताइए, क्या द 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन कंटेन हाउ मच अमाउंट ऑफ ग्लोबुलिन प्रोटीन, जल्दी से बताइए 10 ml में कितना ग्लोबुलिन होगा, जल्दी से बताइए नर्सिंग ऑफिसर्स, क्योंकि आपके भी पास टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम नहीं है, फिर आप भी पढ़ना हम भी पढ़ेंगे। बताइए कितना, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ई ऑप्शन, कितना होगा। ठीक से बताइए जल्दी से, गुड, मैं वेट कर रहा हूं आपके रिस्पांस का कि कितना जल्दी आप रिस्पांस देंगे, जल्दी से बताइए। देखिए ये 20% एल्ब्यूमिन है, ये पक्की बात है। 20% का क्या मतलब होता है, 20% का मतलब होता है 20 g in 100 ml, ठीक है। तो ये ऐसा सॉल्यूशन है एल्ब्यूमिन का जिसमें क्या है आपके 20 g एल्ब्यूमिन प्रेजेंट है 100 ml में। तो कौन सा आंसर होना चाहिए इसके हिसाब से, कौन सा आंसर होना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर, ध्यान से समझिए कौन सा होना चाहिए, जल्दी से पुट योर आंसर प्लीज। ए आंसर होना चाहिए, बट क्वेश्चन में ग्लोबुलिन पूछा है, एल्ब्यूमिन पूछा ही नहीं है। मुझे आपका नेगेटिव कंट्रोल कराना है, एल्ब्यूमिन पूछता तो 20 g आंसर होता, ग्लोबुलिन पूछा ही है, एल्ब्यूमिन की वाइल है, ग्लोबुलिन इसमें होता ही नहीं है, 0 g। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ई, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, ये करेक्ट समझ में आ गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपके सामने चलते हैं। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए ठीक से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक से इमेज देख लीजिए एक बार, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ठीक से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, देखिए क्या यूज ऑफ दिस डिवाइस, ये क्या डिवाइस है, क्या काम आता है, इसको आप इधर से ठीक करने की कोशिश करना, ठीक है। क्या ऑप्शन ए है, रेगुलेट द ब्लड फ्लो रेट, ये ब्लड फ्लो रेट रेगुलेट करने के काम आता है। दूसरा प्रिवेंट वार्मिंग ऑफ द ब्लड, क्या ये ब्लड को वार्म करने के लिए काम आता है। क्या इट डिक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक अरिथमियाज, क्या ये कार्डियक अरिथमिया के रिस्क को प्रिवेंट करने के काम आता है, डिक्रीज करने के लिए काम आता है। या प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, या हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट करता है, बताइए ये चीज क्या काम आता है।
जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। सभी नर्सिंग ऑफिसर फास्ट रिप्लाई करेंगे। फास्ट रिप्लाई करेंगे सभी नर्सिंग ऑफिसर्स। वेरी गुड, ठीक है। आपको पता है ये क्या है एक्चुअल में? वन मिनट प्लीज। ये क्या है एक्चुअल में? ब्लड वार्मिंग यूनिट है नर्सिंग ऑफिसर। क्या है? ब्लड वार्मिंग यूनिट है, ब्लड को वार्म करते हैं। तो देखो, इट रेगुलेट द फ्लो रेट। ये ब्लड फ्लो मीटर तो है ही नहीं, या फ्लो मीटर तो है ही नहीं। दूसरी बात, इट प्रिवेंट वार्मिंग ऑफ ब्लड, नहीं, ये तो वार्म करता है, ठीक है, तो प्रिवेंट तो ये आ ही नहीं सकता। डिक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियक अरिथमियाज, इट मे बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, नो। देखिए क्या होता है, जब कूल ब्लड और कोल्ड ब्लड जब बॉडी के अंदर जाता है, ध्यान से समझिए, कोल्ड ब्लड जब बॉडी के अंदर जाता है, आपको पता है कि ब्लड जो हम दे रहे हैं ज्यादातर सेंट्रल लाइन से ही एडमिनिस्टर करते हैं। तो जैसे ही आपके सेंट्रल लाइन से ब्लड देते हैं, जो सेंट्रल लाइन का एंड होता है वो राइट एट्रियम से की ओपनिंग से जस्ट पहले होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर पहले। जैसे ही राइट एट्रियम के पास में ये कूल ब्लड जाता है, कूल ब्लड जाता है, तो राइट एट्रियम के पास ही क्या है आपका, ऐसे नोड है, और ऐसे नोड के पास अचानक से जब कूल ब्लड जाता है तो देयर इज रिस्क ऑफ अरिथमियाज। तो क्या हो सकता है? अरिथमिया हो सकता है। नर्सिंग ऑफिसर क्लियर कट याद रख लेना, रैपिड कूल ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन और रैपिड कोल्ड ब्लड एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकता है? कार्डियक अरिथमियाज कर सकता है। तो सोचिए, हम यदि ये चीज कर दें, ब्लड वार्मर लगा दे, तो कार्डियक अरिथमियाज उसको की रिस्क थोड़ी कम हो जाएगी। इसलिए करेक्ट आंसर आपका सी है, ठीक है, आ गया समझ में? नेक्स्ट, करेक्ट आंसर सी है। ये देखो, क्लियर कट मेंशन किया है, दिस इज ब्लड वार्मिंग डिवाइस यूज्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ ब्लड सो प्रिवेंट द हाइपोथर्मिया एंड अरिथमिया रिस्क ड्यू टू कूल ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नेक्स्ट, बहुत सारे नए क्वेश्चन भी हमने ऐड किए हैं, ध्यान से समझना। द मार्क्ड स्ट्रक्चर ऑफ विच इज विच ऑर्डर ऑफ ब्रांचिंग, ध्यान से बताइए नर्सिंग ऑफिसर कि ये कौन सी ऑर्डर ब्रांचिंग है। पहली बात, इमेज देखिए कि ये है क्या, वहां से आपको सोचना है, ठीक है। कैराइना, इस्थमस ऑफ थायराइड, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, क्या है ये? ठीक से जवाब दीजिए नर्सिंग ऑफिसर, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए नर्सिंग ऑफिसर, आपको दिख रहा होगा कि ये जो है, देखो ये जो है, ये क्या है? ट्रेकिया है। क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप। क्या बोलते हैं ट्रेकिया को? विंड पाइप। देखिए जो इसमें ये रिंग है, ये क्या है? सी शेप कार्टिलेज रिंग है, सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग है। क्यों सी शेप्ड रिंग यहाँ पे लगाई गई है? क्योंकि ये विंड पाइप है, इससे इंस्पिरेशन होना है, अचानक से डिप्रेस नहीं हो जाए। देखो ये ट्रेकिया जिस पार्ट से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जहां से बाइफर्गेट होती है, डिवाइड होती है, उस पार्ट को बोलते हैं कराइना। क्या बोलते हैं? कराइना, ठीक है। तो कराइना के बाद में ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये जैसे मान लो राइट है, ये लेफ्ट है, तो किसमें? राइट प्राइमरी ब्रोंकाई, राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकाई, और ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, दोनों में डिवाइड हो गई है। इसके बाद देखिए ये लोब्यूलर ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, लोब के अंदर चली जाती है। आपको पता है कि राइट साइड के लंग्स में 3 लोब है, तो 3 में ये डिवाइड। फिर सेगमेंटल ब्रांच में डिवाइड हो जाती है, आगे और डिवाइड होती रहती है। तो मेन बात है कि जहां से ट्रेकिया डिवाइड हुई पहली बार,
उस पॉइंट को बोला हमने क्या, कराइना। बट क्वेश्चन में कराइना पूछा ही नहीं है। जब आप क्वेश्चन पढ़ना सीख जाएंगे नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कराता रटे रटाए, बट मैं ऐसे क्वेश्चन कराता हूं कि आपको डेफिनेटली नेगेटिव कंट्रोल करवाएंगे करवाएंगे। तो ध्यान से समझो क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑर्डर ब्रांचिंग। देखो ऑर्डर ब्रांचिंग क्या होता है, जैसे ट्रेकिया कैराइना से दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, पहली बार डिवाइड हुई ना तो इट इज फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचिंग, फिर यहां से डिवाइड हुई आपके लोब्स के अंदर तो ये सेकंड ऑर्डर ब्रांचिंग, फिर सेगमेंट पे हुई तो ये थर्ड ऑर्डर ब्रांचिंग। तो जिस जिस पॉइंट पे जाके डिवाइड हो रही है इट इज नोन एज ऑर्डर ब्रांचिंग। क्या बोलते हैं, ऑर्डर ब्रांचिंग। तो बताइए कि The marked structure, जो ये मार्क कर रखा है ये कराइना तो है, बट कौन से ऑर्डर ब्रांचिंग है, पहली बार डिवाइड हुआ है ना नर्सिंग ऑफिसर, तो कौन सी है, इट इज फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचिंग। करेक्ट आंसर इज सी, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, दूसरी बात की जाए कि ऐसे लंग्स में कितनी ऑर्डर ब्रांचिंग होती होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब LRTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जब पढ़ते हैं तो ये डेफिनेटली पूछा ही जाता है। ठीक है, देखो एक अच्छा टीचर का मतलब समझ रहे हो कि हमको उस लेवल पे जाना है। एम्स कैसे भी घूमे हम सिलेक्शन से बाहर नहीं होने चाहिए नर्सिंग ऑफिसर्स। देखिए ये क्या है, सी फर्स्ट ऑर्डर ब्रांचिंग है आपके ट्रेकिया की, और आपको पता है टोटल ऑर्डर ब्रांचिंग होती है 25 ऑर्डर ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ट्रेकिया की कितनी होती है, 25 ऑर्डर ब्रांचिंग होती है, याद रखना है ये बात नर्सिंग ऑफिसर्स, 25 ऑर्डर ब्रांचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक चीज और समझ लीजिए, जो कराइना है ना, जो कराइना है जहां से ये ट्रेकिया बाइफर्गेट हुई, ये कराइना, तो जो एंडोट्रेकियल ट्यूब डालते हैं, जो ईटी ट्यूब डालते हैं, ईटी ट्यूब का एंड किधर होना चाहिए, 1-2 सेंटीमीटर अबोव द कराइना, 1-2 सेंटीमीटर अबोव द कराइना, ये भी आपको याद रख लेना है नर्सिंग ऑफिसर। ठीक है, 1-2 सेंटीमीटर अबोव द कराइना होनी चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखिए फिर से थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट है प्लीज, थोड़ी देर के लिए बस 10 सेकंड। TSL यानी कि तरुण सैनी लेक्चर्स हमने शुरू किया है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर नॉर्थसाइड 21। आज सेकंड डे है, कल से ही शुरू हो चुके हैं। इसमें 20 मेजर टेस्ट है और 40 माइनर टेस्ट है। जो मेजर टेस्ट है उसमें एक के अंदर ही 200 क्वेश्चन है, उसमें से 180 नर्सिंग के क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपके मैथ रीजनिंग जी के इसके हैं और कंप्यूटर के। 180 में से भी अप्रोक्सीमेटली 30 इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं, 1/3 आपके नेगेटिव है, 3 आवर्स के अंदर पेपर होगा। 45% मार्क्स लाने का मतलब है कि सिलेक्शन के चांस पूरे के पूरे हैं। इसके अंदर 100-100 क्वेश्चन है, सब्जेक्ट वाइज है, इसमें भी आपके इमेज बेस्ड क्वेश्चन इंक्लूड किए, टोटल 8000 क्वेश्चन है। कोई स्टूडेंट कभी भी टेस्ट दे सकता है, चाहे लास्ट डे दे सकता है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, सबकी एक साथ रैंक भी यहाँ पे रियल टाइम पे बनेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप हेलो बोल के या डायरेक्ट परचेज आप कर सकते हो। नेक्स्ट ये देखिए, ठीक से समझिए क्वेश्चन को, ठीक से समझिए नर्सिंग ऑफिसर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ब्लड से क्वेश्चन आना ही आना है, 3-4 क्वेश्चन ब्लड से देखने को है। इन केस ऑफ इमरजेंसी दिस कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड टू विच ब्लड ग्रुप पेशेंट, पहली बात ये सोचिए है क्या, पहली बात ये सोचिए, यदि आपने ये समझ गए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है ये, इट इज द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP। क्या क्या होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा के अंदर, आपको पता है इसके अंदर होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स और क्या होता है आपके प्रोटीन है, मेनली दो चीजें तो मान लेते, क्लॉटिंग फैक्टर है, प्रोटीन है, इम्यूनोग्लोबुलिन से। हाँ जी,
चलिए अब ध्यान से समझते हैं कि इमरजेंसी में ये किसको दिया जा सकता है। तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, ये ओ नेगेटिव है, ब्लड ग्रुप इसका है ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव से किसको ब्लड दे सकते हैं हम, ध्यान से समझिए, किसको? ओ पॉजिटिव को, ओ नेगेटिव को, बीपी बी एबी पॉजिटिव को। देखो आपको पता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर कौन होता है? ओ नेगेटिव वाला यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है? एबी पॉजिटिव। कौन है? एबी पॉजिटिव। ध्यान से समझ रहे हो बात को? तो करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? डी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। नेक्स्ट ये लीजिए आपके सामने डी, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हमने प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन उठाया, ठीक से देखिए आप एक बार इसको। द नेम ऑफ इमेज्ड डिवाइस इज, द नेम ऑफ इमेज्ड डिवाइस इज, बताइए द नेम ऑफ इमेज्ड डिवाइस इज क्या चीज है? देखा होगा हॉस्पिटल में सभी लोगों ने, क्या है? ध्यान से तो, क्या ये आईवी सेट है, क्या ये आईवी फिल्टर है, क्या ये बीटी सेट है, क्या ये प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन सेट है, क्या है ये चीज? इमेज्ड डिवाइस क्या है? ठीक है, आपको सभी को पता होगा कि इट इज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। आपको पता है वैसे भी कोई से भी कलर का आए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट पे यहाँ पे जरूर एक फिल्टर लगा हुआ होता है और नेट लगा हुआ होता है, इससे आप पता कर सकते हो कि ये कौन सा सेट है। वैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट ये है। नेक्स्ट, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट सभी ब्लड प्रोडक्ट के लिए काम में लेते हैं। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा डिवाइस है, ध्यान से देखिए क्या। द नेम ऑफ इमेज्ड डिवाइस इज, बताइए द नेम ऑफ इमेज्ड डिवाइस इज, क्या नाम होगा इसका डिवाइस का? नेम ऑफ इमेज्ड डिवाइस इज, बताइए नर्सिंग ऑफिसर जल्दी से बताइए क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम रहता है। चलिए बात करते हैं, क्या मिनी स्टेथोस्कोप है क्या ये? देखिए, क्या फोनोमीटर है क्या, जो हार्ट के साउंड सुनने के लिए काम है? क्या ये ईयर हियरिंग डिवाइस है या फिर कोई कीमोपोर्ट है क्या? ध्यान से समझना नर्सिंग ऑफिसर, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये मान लो पेशेंट की वेन है, अब इसमें लॉन्ग टर्म यदि आईवी थेरेपी देनी हो तो हम इसको बार बार पंक्चर नहीं कर सकते, इसलिए इसके अंदर ऐसा एक डिवाइस डाल देते हैं जो ट्यूब से कनेक्टेड रहता है और आगे उसके सिलिकॉन का पोर्ट होता है, फिर ये स्किन के नीचे इम्प्लांट कर देते हैं। जब भी हमको ड्रग एडमिनिस्टर करनी होती है हम यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की, कल मैंने निडल भी बताई थी, पुराना वीडियो देख लेना, कि उससे ही आपके यहाँ पे पंक्चर करते हैं इस पोर्ट को। उसको बोला था क्या हमके? हैबर पॉइंट निडल। उस निडल को क्या बोला था? हैबर पॉइंट निडल। वो निडल स्पेशली आगे से ऐसे थोड़ी सी घूमी हुई थी, हैबर पॉइंट निडल बोला था, ठीक है। और ये हमने इम्प्लांट, तो एक्चुअल में ये क्या है? ये कोई ईयर हियरिंग डिवाइस नहीं है नर्सिंग ऑफिसर, क्या है ये? इट इज द कीमोपोर्ट, कीमोपोर्ट। दूसरा नाम क्या हो सकता है? वेस्क्यूलर असेस डिवाइस, ठीक है, वेस्क्यूलर असेस डिवाइस और पोर्ट, वेस्क्यूलर असेस डिवाइस और पोर्ट। ये यूज लिया जाता है मोर देन फोर वीक्स, यदि मोर देन फोर वीक्स आपके आईवी फ्लूड थेरेपी देनी हो, जैसे कि कैंसर पेशेंट है, न्यूरो के पेशेंट है, गुलेनबेरी सिंड्रोम के पेशेंट है, उनके लिए, तो प्लीज बी कॉन्फिडेंट, कीमोपोर्ट आपके ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर्स, डेली रात को 9 बजे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, इमेज बेस्ड सोल्व कर रहे हैं। देखिए रेशनल लिखा है, इट इज वेस्क्यूलर एसेस पोर्ट सर्जिकली इम्प्लांटेड अंडर द स्किन एंड अटैच्ड टू द मेजर वेन, इट इज मेनली यूज्ड इन लॉन्ग टर्म आईवी थेरेपी क्लाइंट, एग्जाम्पल कीमोथेरेपी, सो ऑल्सो नोन एज कीमोपोर्ट। नेक्स्ट ये लीजिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन,
सब कुछ ऐसा मैंने कलेक्शन किया है इमेजेस का कि एग्जाम में पूछा ही जाता है ये बार बार। बताइए, दिस वायल इज यूज्ड टू ऑब्टेन ब्लड सैंपल फॉर, ये जो आपको वायल दिख रही है ग्रे कलर की वायल है। क्या है? ग्रे कलर की वायल है। तो ये आपके किसके लिए काम में ली जाती है, ध्यान से बताना है नर्सिंग ऑफिसर। ग्रे कलर, क्या सीरम इलेक्ट्रोलाइट के लिए काम में ली जाती है, क्या सीरम क्रिएटिनिन के लिए काम में ली जाती है, क्या हीमोग्लोबिन के लिए काम में ली जाती है, या ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करने के लिए काम में ली जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और करेक्ट आंसर क्या है? ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए काम में ली जाती है। दूसरी बात करते हैं, ध्यान से समझिए नर्सिंग ऑफिसर, एक स्पेशल चीज आज ही याद रख लीजिए, आप कभी भी गलत नहीं हो। हीमोग्राम के लिए जो वाइल काम में लेंगे उसका ये कलर कौन सा होगा, उसको हम ई वाइल भी बोलते हैं, ई वाइल भी बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, ईडीटीए, इथाइलिन डायमिन टेट्राएसिटिक एसिड जो भी है, ठीक है, ये है जो एंटीकोएगुलेंट होता है। और कैसा कलर होता है इसका? आपके ब्लू कलर होता है, पर्पल ब्लू कलर इसका देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात करें, सीरम वाली चीजें जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट वगैरह करा रहे हैं, ये आपके प्लेन वाइल में जाते हैं, और प्लेन वाइल जो है उसके अंदर कोई चीज हमने एंटीकोगुलेंट नहीं मिला रखा। बट ध्यान से समझिए, दो तरीके से आते हैं, ये रेड कैप के साथ भी आती है और ये येलो कैप के साथ भी आती है, येलो कैप के साथ। और आप चाहते हो नर्सिंग ऑफिसर कि डिटेल्स में वाइल पे और मैं डिस्कस करूं कि इसके अंदर क्या है, पीटी वाइल आपके बिल्कुल लाइट ब्लू कलर के साथ जाती है जो आईएनआर वगैरह देखते हैं, तो नर्सिंग ऑफिसर ठीक से समझे, आप मुझे बताएं कि क्या आप वाइल्स पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं कल वाइल पे भी वीडियो आपको बना के दे दूंगा। चले आगे, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट ये देखिए, ग्रे कलर वाइल इज यूज टू ऑब्टेन ब्लड सैंपल टू मेजर द ग्लूकोज। ये देखिए, ये भी मैंने प्रैक्टिकल बेस क्वेश्चन उठाया है आपके लिए और काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के बताएं। नेम ऑफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर इज, आप देख रहे होंगे जो भी ये डिवाइस है, आप खुद देखिए ये क्या है, ये पॉइंटेड स्ट्रक्चर की बात कर रहा है कि ये एक्चुअल में क्या है, बताइए जल्दी से सभी लोग आपका आंसर दीजिए, क्योंकि समय की बहुत कमी रहती है। नेम ऑफ पॉइंटेड स्ट्रक्चर, क्या बेवेल है, क्या बेवेल ऑफ ट्यूब है क्या, या ये मर्फी आई है क्या, या ये कफ है क्या, या ये पायलट बलून है, क्या है ये एक्चुअल में देखा जाए तो? आपको पता है ये एक्चुअल में क्या है, ईटी ट्यूब है। क्या है? ईटी ट्यूब है, ठीक है। और ये आपके इसका कफ है, ठीक है, ईटी ट्यूब का कफ है। इस कफ के अंदर कितना प्रेशर है इसको मीजर करने के लिए ये लगाया गया है पायलट बलून, ठीक है। कैसे मीजर करता है? या कफ से एक आपके पाइप निकलता है जो इस ट्यूब के वॉल में के अंदर से ही होके आता है और यहां से सेपरेट हो जाता है, ये अटैच होता है इधर। अब जितना प्रेशर इसमें होता है उतना ही प्रेशर इसमें होता है। यहां हम एक स्पेशल मैनोमीटर जिसको बोलते हैं आप एनेरोइड मैनोमीटर, एनेरोइड याद रखना, एनेरोइड इधर लिख देता हूं, एनेरोइड मैनोमीटर यहां पे काम में लेते हैं, अटैच करते हैं और उससे प्रेशर मीजर करते हैं। तो ये है क्या एक्चुअल में देखा जाए तो? ये है आपके क्या, पायलट बलून। नेक्स्ट, ईटी ट्यूब पे अलग से क्लास करूंगा नर्सिंग ऑफिसर, कल मैं ईटी ट्यूब पे अलग से आधे घंटे की क्लास करूंगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और ईटी ट्यूब डेफिनेटली देखने को मिलेगा ईटी ट्यूब पे क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो कल सब 9 बजे तैयार रहना। नेक्स्ट बताइए, कल सब 9 बजे तैयार रहना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके रखना, ठीक है। देखो, The name of pointed structure is, बताइए क्या है pointed structure, ये वाली, ये क्या है बताइए, pointed structure क्या है? आपको पता होगा कि ये एक्चुअल में है क्या चीज, कौन सी ट्यूब है।
आपको पता है इट इज द एंडोट्रेकियल ट्यूब, सॉरी ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब क्या है, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब है ये, इसका पायलट बलून है, पायलट बलून है, कल हम इस पे डिटेल स्टडी करेंगे। ये आपके आउटर कैनुला है इसका, ये आपके इनर कैनुला है इसका, ये ऑब्चुरेटर है। क्या है ऑब्चुरेटर? ये ट्यूब के अंदर ही होते हैं सारे के सारे, कल मैं आपको बता भी दूंगा। पेशेंट के ट्रेकेस्टमी के अंदर ट्यूब डाल के ऑब्चुरेटर को तुरंत निकाल लेते हैं, वेंटिलेटर इसके ऊपर कनेक्ट कर दे। तो ये है क्या? ऑब्चुरेटर है। क्या है? ऑब्चुरेटर। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी। ठीक, अब बताइए फेस प्लेट कौन सी है? तो ये प्लेट, ये है फेस प्लेट। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आए तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन देख के बताइए नर्सिंग ऑफिसर की इसका आंसर क्या होगा। इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ, इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ। बताइए, इट इज यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ ईटी ट्यूब का प्रेशर, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का प्रेशर, प्रेशर बोथ, दोनों का कब प्रेशर, ए प्लस बी दोनों का कब प्रेशर, या नन ऑफ देम। बताइए है क्या ये? देखो, कभी देखा हो हॉस्पिटल गए होंगे तो आपको पता लगेगा। जल्दी से आंसर दीजिए प्लीज। वेरी गुड, आपको पता है ये ऐसा प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है जिससे ईटी ट्यूब और ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का कफ प्रेशर मेजर किया जा सकता है। नाम है इसका एनरोइड मैनोमीटर, एनरोइड बैरोमीटर भी बोल सकते, बैरोमीटर भी बोल सकते, एनरोइड बैरोमीटर भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते, तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, ये लीजिए नर्सिंग ऑफिसर आपके सामने एक और क्वेश्चन यहां से बनाया है, ठीक से जवाब दीजिए इसका, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन केस ऑफ इमरजेंसी दिस कैन बी ट्रांसफ्यूज टू विच ग्रुप पेशेंट। बताइए, ये है आपके ओ नेगेटिव। अच्छा, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, सॉरी ये क्वेश्चन हम भी अभी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक से, ड्यूरिंग सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, ड्यूरिंग सीपीआर द इंजेक्शन एडीआर, ये आया हुआ है पिछले भी एग्जाम में आया हुआ था। एडीआर इज एडमिनिस्टर्ड आईवी इन विच कंसंट्रेशन। बताइए, ड्यूरिंग सीपीआर आपको पता है कि एक एम्पूल लगाते हैं, बट किस कंसंट्रेशन में ये चीज लगाते? बताइए जल्दी से। क्या आंसर होगा इसका? वेरी गुड, ज्यादातर नर्सिंग ऑफिसर्स ने इसका गलत आंसर दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना है। देखिए, जो ये आपके एड्रेनलिन आप ये देख रहे हो, ठीक है, इसको समझने का एक तरीका कि जो एड्रेनलिन आपके पास है ना, ठीक है, वो एड्रेनलिन में 0.1 mg, 0.1 ml में, 0.1 mg, 0.1 ml में, तो एक्चुअल में देखा जाए तो पहले से ही ये 1:1000 कंसंट्रेशन में कितना है, जो एड्रेनलिन का एम्पूल है ना, इसमें कितना है आपके 1:1000 कंसंट्रेशन है। और आपको पता है एक एम्पूल को हम कितने में करते हैं, 10 cc में डाइल्यूट करके देते हैं, 10 cc में डाइल्यूट करके देते हैं। तो एक एम्पूल को पहले से ही एम्पूल के अंदर 1:1000 कंसंट्रेशन के अंदर एड्रेनलिन है और हम 10 cc में और डाइल्यूट कर रहे हैं, तो कितनी कंसंट्रेशन हो जाती है, 1:10,000। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नर्सिंग ऑफिसर। करेक्ट आंसर डी है इसका, करेक्ट आंसर डी है। अब समझ लेना पूछा क्या है कि एड्रेनलिन के एम्पूल में कितना होता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एडमिनिस्टर कितने पे करते हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग?
आगे चले नर्सिंग ऑफिसर्स, फिर दूसरी क्लास का टाइम होने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये आपके सामने है। मैंने आपको अभी एक बहुत अच्छी मैकेनिज्म बताई थी, ठीक है, बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म बताई थी। देखो, विच इज सूटेबल नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर इमेज्ड मेडिसिन। आपको पता है 20% एल्ब्यूमिन है ये, ठीक है, तो इसके जब इसको एडमिनिस्टर कर रहे हो तो कौन सी, ठीक है, भावना जी ने लिखा है कि 0.1 कहां लिखा है, लिखा हुआ कुछ नहीं होगा जी, लिखा हुआ कुछ नहीं होगा, पिछले एम्स में ऐसे केवल फोटो दी थी ब्लर करके, याद होना चाहिए आपको एड्रेनलिन कितनी प्रिपरेशन में आता है, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, एट्रोपिन भी याद होना चाहिए, एडीआर भी याद होना चाहिए, ठीक है। विच इज सूटेबल नर्सिंग इंटरवेंशन व्हेन यू आर गोइंग टू एडमिनिस्टर इमेज्ड मेडिसिन, जब आप ये मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हो तो बताइए कौन सा इंटरवेंशन सूटेबल होगा। ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर द मेडिसिन स्लोली। ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड क्लाइंट ओरल इंटेक। इंक्रीज्ड क्लाइंट ओरल इंटेक। ऑप्शन सी, रेस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड इंटेक, या फिर ए एंड सी दोनों। बताइए क्या आंसर होगा इसका नर्सिंग ऑफिसर, सही आंसर तक आप पहुंचने चाहिए जल्दी से। क्या आंसर होगा, देखिए आपको मैंने अभी बताया कि ये आपके एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ाएगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर फ्लूइड को खुद की तरफ खींचता है तो ब्लड वेसल्स में और फ्लूइड आएगा। तो यहाँ पे किस चीज की रिस्क है, हाइपर वॉल्यूमिया की रिस्क है, तो इसको स्लोली एडमिनिस्टर करना चाहिए। ये बात तो सही है, स्लोली एडमिनिस्टर करना चाहिए। अब ये फ्लूइड इधर की तरफ तो लेके आएगा, यदि आपने साथ में इसको ओरल फ्लूइड्स, यदि खूब ओरल फ्लूइड दिए तो ये ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड इधर लेके आएगा और बहुत जल्दी ओवर वॉल्यूमिया या हाइपर वॉल्यूमिया देखने को मिलेगा। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, हम क्या करेंगे, रेस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड इंटेक। क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्ट ओरल फ्लूइड इंटेक। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डी, ए एंड सी, एडमिनिस्टर भी स्लोली करेंगे और ओरल फ्लूइड भी रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। अब ध्यान से समझना कितना स्लोली करेंगे, कितनी देर में जाना चाहिए। देखिए, पहली बात, एल्ब्यूमिन जो जाना चाहिए 15 से 20 ml पर आर, मतलब ये कम से भी कम 5 to 6, तो 6 आवर्स तो मिनिमम इसको लगने ही चाहिए, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, जैसे वसोनिया जी ने लिखा है कि एग्जाम में इमेज क्लियर सो होगा, भाई मैं आपको हकीकत बता दे रहा हूं, पिछले ही एग्जाम में प्रोपोफोल के वायल का ऐसा फोटो दे दिया था, और वो भी बैक साइड से दिखा के, जिसमें कुछ नहीं पढ़ सकते, और पूछा था ये क्या है, समझ रहे हो बात को, तो इस फिराक में मत रहो, याद कर लो, बाकी आपकी मर्जी साहब, हम तो पहले से ही लगे हुए हैं। नेक्स्ट, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके, अब ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका दिमाग खोल देगा, 100% दिमाग खोल देगा आपके, इतना इंपॉर्टेंट है, प्लीज टेक इट सीरियसली, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बनाया मैंने, अभी बैठ रहा था मैं, तो बैठे बैठे मैंने ये, आपको पता है कि आईसीयू मैंने लगातार 9 साल तक आईसीयू के अंदर ड्यूटी किया, 9 साल, ध्यान से समझ रहे हो, 9 ईयर एक्सपीरियंस आईसीयू का, समझिए इस बात को कि कितना अच्छा क्वेश्चन यहां से उठाया है। बताइए, द इमेज इंस्ट्रूमेंट शुड बी हैंडल्ड बाय लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, या फिर डोमिनेंट हैंड, बताइए कौन से किया जाना चाहिए। आप मुझे 30 सेकंड का टाइम दें तो मैं ईटी ट्यूब के साथ इसको बता सकता हूं, 30 सेकंड का टाइम देंगे, प्लीज यस और नो पुट कीजिए, ओनली 30 सेकंड, मैं अभी ईटी ट्यूब के साथ इसको बता सकता हूं, बहुत अच्छा, यस और नो प्लीज जल्दी से बताइए, 30 सेकंड देंगे आप मुझे, गुड, ए वन मिनट, मैं ईटी ट्यूब के साथ ही बताता हूं अभी।
सॉरी नर्सिंग ऑफिसर सॉरी, ठीक है जाइए मत, जाइए मत, थोड़ा सा जुनून है पढ़ाने का, तो मुझे ऐसे लगा कि शायद आपको समझ में नहीं आएगा या उतना अच्छा नहीं आएगा, इसीलिए ठीक है। देखिए ये आपके सामने ईटी ट्यूब है, आप इसको ठीक से देखना कि देखो ये ईटी ट्यूब ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है ऐसे, तो इसको क्या करते हैं, जो ये लेरिंजोस्कोप है देखो ऐसे ठीक से ग्रैप किया हुआ है, इसको ठीक से ऐसे ग्रैप किया है, तो जो लेरिंजोस्कोप है ना, जो इसको हमेशा जो होल्ड करते हैं वो कौन से हैंड से करते हैं, आपके लेफ्ट हैंड से करते हैं, लेफ्ट हैंडेड डिवाइस चाहे आदमी को ऐसा भी हो लेफ्ट हैंड से कर। अब लेफ्ट हैंड से जब हम इसको होल्ड कर रहे हैं तो क्या काम आएगा, ध्यान से समझिए आप इसको, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखिए इधर से देखिए आप, मान लो ये आपका ये माउस ले लेते हैं ना, ये आपका लेरिंजियोस्कोप है, ठीक है। अब लेरिंजियोस्कोप थोड़ा दूर रह गया इसलिए ला नहीं सकते। अब मान लो ये इसकी लाइट है, दिख रही होगी आपको इसकी लाइट, ये आपके लाइट है, तो लेरिंजियोस्कोप की जो लाइट है ना ये आपके किधर होगी, राइट साइड। आप लेफ्ट से पकड़ोगे तो राइट साइड में इसकी लाइट होगी, जैसे ऐसे राइट, ठीक है। अब हम इस हाथ से ट्यूब को डालेंगे, तो एक बार इस ट्यूब को देख लीजिए ठीक से, आपको क्लियर कट हो जाएगा। ये ट्यूब है ना, इसकी ओपनिंग देखिए हल्की सी, इसकी ओपनिंग ऐसे फ्लैट नहीं होती, इसकी ओपनिंग ऐसे थोड़ा सा कट लगा के होती है, और ये कट वाला पार्ट ठीक है जिधर से ऐसे थोड़ी सी ऐसे कटिंग हुई होती है, ये देखिए ठीक लाइट पड़ रही होगी शायद, ये कट वाला पार्ट होता है लेरिंजोस्कोप की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ, ठीक है, और इधर की तरफ ही लाइट आती है। अब मान लो कि ये आप इस हाथ से पकड़ोगे, ये दूसरे हाथ से पकड़ोगे, तो उसकी लाइट तो इधर रह जाएगी और ये तो मैच ही नहीं होगा, विजुअलाइजेशन नहीं होगा, कोर्स नहीं दिखेंगे, ट्यूब का एंड भी आपको नहीं दिखेगा। तो ट्यूब का एंड भी दिखना जरूरी है, कोर्स भी दिखना जरूरी है, इसको इसलिए ऐसे तिरछा काटा गया है, ठीक है, कि देखिए आप देख लीजिए प्रॉपर तरीके से इसको तिरछा काटा गया, लाइट थोड़ी ज्यादा है इस वजह से नहीं दिख रहा होगा। तो ध्यान से समझिए, जैसे ही हम इसको पेशेंट के इंटुबेट करेंगे, ठीक है जैसे, तो ये यहां से तिरछा काटने की वजह से यहां लाइट इस साइड में जब इसकी गिरेगी तो वोकल कॉर्ड भी दिखेगा और ट्यूब का एंड भी दिखेगा आपका। तो ध्यान से समझ लेना नर्सिंग ऑफिसर्स कि जब हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो ये लेरिंजोस्कोप कौन से साइड में होना, कौन से एंड में होना चाहिए, राइट एंड में, और जो आप ट्यूब उठा रहे लेफ्ट एंड में होना चाहिए सॉरी, और जो ट्यूब उठा रहे हो राइट एंड में होना चाहिए, और ट्यूब में भी ये जो इसकी लेटरल ओपनिंग है दिख रही होगी, ये जो ओपनिंग है ना ये, ठीक है, जो ये लेटरल ओपनिंग है ये आपके पेशेंट के राइट साइड की तरफ होनी चाहिए, ऐसे आप ट्यूब को होल्ड करेंगे, बाकी चीजें कल बताएंगे नर्सिंग ऑफिसर इसके। तो ध्यान से समझिए ये कौन सा है, आपके लेफ्ट हैंड इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा है, लेफ्ट हैंड इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आ गया कि यहां से लाइट पड़ेगी, और यहां पे देखिए जो हम यहां पे जो ट्यूब हम ले रहे हैं, ट्यूब ये ट्यूब ऐसे काटी हुई, यहां पे एक और ओपनिंग है ऐसे काटी, तो यहां से लाइट से ये भी दिखेगी कि ट्यूब कितनी डेप्थ में, तुरंत पता लग जाएगा हमको, और वोकल कॉर्ड भी दिखेगी। यदि ये फुल स्ट्रेंथ के साथ होती तो वोकल कॉर्ड भी नहीं दिखते और ट्यूब का एंड भी हमको नहीं दिखता, इस वजह से इसको इस हिसाब से काटा गया है नर्सिंग ऑफिसर्स। नेक्स्ट करेक्ट आंसर ए है, ठीक है, आंसर दीजिए इसका, दी मर्फी आई प्रेजेंट इन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मर्फी आई प्रेजेंट इन, कौन सी ट्यूब में मर्फी आई प्रेजेंट होता है इनमें से, कौन सी ट्यूब में मर्फी आई प्रेजेंट होता है। नर्सिंग ऑफिसर्स भले यूट्यूब पे पढ़ाएं, हम किसी पे पढ़ाएं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की। नए स्टूडेंट प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन वीडियोस के टाइम टू टाइम मिल सके, सबसे पहले मिल सके, ठीक है। देखो एंडोट्रेकियल ट्यूब में, ट्रेकेस्टमी ट्यूब में, संगस्ट्रेकन ब्लैकमोर ट्यूब में, या दोनों ए और बी दोनों किस में होना चाहिए, जल्दी से टाइप करके बताएं। कितने बेकार आंसर दे रहे हैं आप लोग, कितना बेकार आंसर दे रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, इट इज बहुत ही बेकार रिस्पॉन्स जो ज्यादातर लोगों ने दिया है। मर्फी आई का मतलब होता है जो ये ट्यूब है इसके ये लेटरल साइड की जो ओपनिंग है, ठीक है, जो ये लेटरल साइड की ओपनिंग है, जो राइट साइड, ये इट इज प्रेजेंट ओनली इन एंडोट्रेकियल ट्यूब, नॉट इन ट्रेकेस्टमी ट्यूब। क्या पढ़ाऊं मैं आपको,
ध्यान से समझना, ए इसका आंसर है 80 ट्यूब। चलो मैं आपको इमेज दिखाता हूं। देखो ये आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब है, तो इसमें देखिए ये आपके बेवेल है जो तिरछा काटा हुआ है, ये लेटरल ओपनिंग है जो राइट साइड में है, इसको बोलते हैं मर्फी आई। क्या बोलते हैं? मर्फी आई इसको बोलते हैं। तो ओनली एंड ओनली ईटी ट्यूब में प्रेजेंट होती है मर्फी आई, बाकी दूसरे में प्रेजेंट नहीं होती है, और उसके बावजूद भी गलत आंसर दे रहे, क्या फायदा हो इतना पढ़ाने का। ये आपकी कौन सी है? ट्रेकेस्टमी ट्यूब है नर्सिंग ऑफिसर्स, इसमें देख लो कहीं पे भी मर्फी आई प्रेजेंट नहीं है। तीसरे संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब मैंने ऑप्शन दिया था, ये आपके सामने संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब है, ठीक है। संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब कब काम में लेते हैं? जब गैस्ट्रिक वेरिसिस, ठीक है, वेन यहां से रप्चर होके अपर जीआई से ब्लीड करने लग जाए, उसको रोकने के लिए तो ये ट्यूब डाल देते हैं, इस बलून को इन्फ्लूट कर लेते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, जो ये इसोफेगस के अंदर प्रेशर लगा के रखती है, तो वहां से ब्लीडिंग ना हो, इसके लिए ये ट्यूब का। ध्यान से समझ लेना, हमेशा 50 बार ये चीज समझा चुका हूं और हर बार क्वेश्चन आता है, कभी भी आप संगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब लगा रहे हो तो पेशेंट को रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कभी भी ट्रेकिया सप्रेस हो सकती है, इसलिए हमेशा 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 पेशेंट के बेड साइज क्या रखोगे? पेशेंट के बेड साइड क्या रखोगे? सीजर रखोगे। पेशेंट के बेड साइड क्या रखोगे? सीजर। क्या रखोगे? कैंची रखोगे। सीजर हमेशा पेशेंट के बेड साइड होनी चाहिए। नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर, जल्दी हमारी क्लास शुरू होने वाली है दूसरे चैनल से, तब तक बस ये लास्ट क्वेश्चन यही करेंगे, ठीक है, ध्यान से समझने ला कि नई क्लास हमारी शुरू होने वाली है। ये देखिए, द साइज ऑफ इमेज्ड इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट टू, ये आपके ट्यूब है, इसकी साइज किस चीज को इंडिकेट करती है? क्या आपको लगता है कि इस ट्यूब को ठीक से पढ़ना चाहिए? क्योंकि एग्जाम में आता है भाई, ये एम्स का एग्जाम है, प्रैक्टिकल बेस्ड हुआ ना तो 30-40 क्वेश्चन ठोक देगा प्रैक्टिकल। क्या इंटरनल डायमीटर को बताता है? क्या एक्सटर्नल डायमीटर को बताता है? क्या डेप्थ ऑफ ट्यूब इंसर्शन को बताता है? क्या या फिर प्रेशर ऑफ ईटी ट्यूब को बताता है? किसको बताता है? किसको बताता है? ध्यान से सुनो, ये बोलते हैं ना 8 नंबर की ट्यूब है, 7.5 नंबर की ट्यूब है, 5 नंबर की ट्यूब, 5 के 2-3 है ना, ठीक है, 7 नंबर की ट्यूब है, तो क्या बताता है? देखो ध्यान से समझना, रटना मत इसको। ईटी ट्यूब की बात करें तो ट्यूब की साइज बताती है किसको? इंटरनल डायमीटर को। जबकि ट्रेकेस्टमी ट्यूब में ट्यूब की साइज नहीं बताती इंटरनल डायमीटर को, वो एक्सटर्नल को बता सकते हैं, इंटरनल को बता सकती है, ट्यूब की डेप्थ को भी बता सकती है। इसका आंसर होगा ए। इसका आंसर कौन सा होगा? करेक्ट आंसर ए होगा इसका, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात को सारे नर्सिंग ऑफिसर सुनेंगे कि आपको पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद नॉर्सेट, उसके लिए बेस्ट विश। अब मेरी बात को ठीक से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आपको एनेस्थेसिया पे क्लास चाहिए? एनेस्थेसिया पे क्लास चाहिए क्या? एनेस्थेसिया, इंडक्शन, मेंटेनेंस, इमरजेंट एनेस्थेसिया, एनेस्थेटिक ड्रग्स पे क्लास चाहिए क्या? क्वेश्चन आएंगे 5 कम से भी कम। सीपीआर पे क्लास चाहिए क्या? 5 क्वेश्चन कम से भी कम आएंगे, एनेस्थेसिया के 5 क्वेश्चन आएंगे। नर्सिंग ऑफिसर कमेंट करके बताएं, क्योंकि जो आप कमेंट करेंगे उसी के हिसाब से ही क्लास में आगे लूंगा। और जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, कम से भी कम, कम से भी कम। ध्यान से एक और आज मैं घोषणा कर देता हूं, ध्यान से समझिए, इस वीडियो को यदि आपने शेयर किया और यदि इसके 10,000 व्यूज यदि होते हैं, 10,000 के व्यूज हो जाते हैं, तो आपको कल एक फ्री टेस्ट TSL की ओर से आपको रात को 9 बजे अवेल हो जाएगा। पेड टेस्ट है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेल हो जाएगा, क्लियर कट बोल रहा हूं, आप लगा दीजिए जोर, 2 मिनट आपके जाते हैं, पूरा का पूरा टेस्ट पेड है, 100 क्वेश्चन का इमेज बेस भी होगा, सब कुछ, ठीक है। तो जितना कर सकते हो आप कीजिए, नहीं करो, आप ये सोचते हो कि शेयर करने से मैं करोड़पति बन जाऊंगा और तुमको नुकसान हो जाएगा, तो मत कीजिए।
ठीक है, बाकी आपको जैसा लगे वैसा कीजिए। यदि इसको शेयर करते हो, अभी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं 10,000 हो गए तो आपके सामने ही फ्री करूंगा टेस्ट को यहीं से सीधा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। क्लास कैसी लगी वो जरूर कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूं कि आप नॉर्सेट 21 में अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे, अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे, उनकी आंखों में एक बहुत अच्छी खुशी दे पाएंगे। जय हिंद।